नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ब्रेड स्लाइस, उबले आलू मैश किए हुए, हरी चटनी, चीज, बटर, जीरा, चाट मसाला, अदरक चॉप किया हुआ, हरी कटी मिर्च चॉप किया हुआ, लहसुन, हल्दी पाउडर, धनिया पत्ती, नमक। हम पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें ऑयल भी गरम कर लेते हैं और इसमें हमने डाला है जीरा, कटी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इसे हम भून लेते हैं। हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और अब हम इसमें उबले आलू जो कि मैश किए हुए हैं इसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। इसे 2 मिनट तक भूनना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम सैंडविच तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस पर अच्छी तरह से हरी चटनी लगा लेते हैं एक तरफ। अब हम इस पर आलू को फैला लेते हैं। आलू की लेयर पतली होनी चाहिए। अब हम इस पे एक एक करके सारी सब्जियां रख लेते हैं। शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, प्याज। अब हम इस पे चीज को स्प्रेड कर लेते हैं, इस तरह से क्रश कर लेते हैं। अब एक ब्रेड के स्लाइस को ऊपर से रखकर बटर लगा लेते हैं। हम सैंडविच मेकर में भी बटर लगाकर सैंडविच को रख देते हैं। इसे हम लॉक करके गैस पर सेक लेते हैं। इसे बराबर पलटते रहना है, दोनों तरफ से ही सेकना है। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये पक गया है अच्छी तरह से। हम इसे अब निकाल के सर्व कर लेते हैं। हम इसे कट कर लेते हैं।
हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।